सत श्री अकाल एवरीवन। सो जैसे कि आप सभी को पता है कि पीपीएससी कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर चुका है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लिया जाए कि किस तरह का और किस लेवल का पेपर पिछली बार जो है आया था, ठीक है। तो इस सीरीज़ में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन करेंगे, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस का, और सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज आप बोल सकते हो ये सॉल्यूशन रहेगा। तो ये इस सीरीज़ की पहली वीडियो है जिसमें कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे पिछली बार इस पेपर में। सो पहला जो क्वेश्चन है वो है कि मेगास्थीन्स नाम का जो ग्रीक एम्बेसडर है वो इनमें से कौन सी मॉडर्न किंग की कोर्ट में प्रेजेंट था, ठीक है। तो ऑप्शंस आपके हैं कि ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, या सी अशोका, या फिर डी समुद्रगुप्त, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है, मेगास्थीन्स किस कोर्ट में था? सो मेगास्थीन्स जो है वो था चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में, ठीक है। सो मेगास्थीन्स को भेजा गया था चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में बाय सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर जो है ही वॉज आर्मी कमांडर ऑफ अलेक्जेंडर, ठीक है। सो अलेक्जेंडर ने सेल्यूकस निकेटर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी वेस्ट एशिया को रूल करने की, और सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थीन्स को चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में भेजा था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां पर जो है वो है कि मेगास्थीन ने एक बुक लिखी थी और उस बुक का नाम हमें याद करना है। सो उस बुक का नाम था इंडिका, जिसमें उसने मौर्यन एम्पायर के बारे में लिखा था, ठीक है। सो चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में था मेगास्थीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं चलिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस तरह की रिवेन्यू सेटलमेंट को पंजाब में लागू किया गया था बाय ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं कि परमानेंट सेटलमेंट को, बी रयौतवाड़ी जो सेटलमेंट है उसको, या फिर महालवाड़ी सेटलमेंट को, या तालुकदारी सेटलमेंट को। तो पंजाब में कौन सी तरह की रिवेन्यू सेटलमेंट लागू की गई थी, तो चलिए देख लेते हैं हम। सो करेक्ट आंसर है महालवाड़ी सेटलमेंट, जो कि जिसकी शुरुआत जो है 1833 में हुई थी बाय विलियम बेंटिक, ठीक है। और इसमें क्या होता था कि जो पूरी लैंड होती थी उसको डिवाइड कर दिया जाता था महल्स में, ठीक है, आप जो भी इसको प्रोनाउंस कर लो। और इसी वर्ड की वजह से इस सिस्टम का नाम महालवाड़ी सिस्टम पड़ा है, ठीक है। और इसकी जो रियल ओनरशिप रहती थी वो पीजेंट्स के पास ही रहती थी, और विलेज में कमेटीज बना दी जाती थी जो पीजेंट्स से टैक्सेस कलेक्ट करते थे इस लैंड का, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पर लागू की गई थी, इसको लागू किया गया था सेंट्रल प्रोविंसेस में, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर में, आगरा, पंजाब, गंगेटिक वैली, इन जगहों पे जो है महालवाड़ी सिस्टम को लागू किया गया था, ठीक है। सो पंजाब में भी यही सिस्टम लागू था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमानेंट सेटलमेंट जो कि 1793 में शुरुआत हुई थी, उसकी शुरुआत की किस द्वारा गई थी, ठीक है। सो उस इंसान का नाम हमें बताना है, ठीक है। तो ऑप्शंस जो हैं वो हैं कि ए रॉबर्ट क्लाइव, बी कॉर्नवेलिस, सी जॉन शॉर, या फिर डी फिलिप फ्रांसिस, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर है बी कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस सिस्टम की शुरुआत की थी, परमानेंट सेटलमेंट की शुरुआत की थी, जिसका दूसरा नाम है ज़मींदारी सिस्टम। और उस एक्ट जिसके थ्रू इसको लागू किया गया था वो एक्ट है परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, जो कि 1793 में लागू किया गया था। और कहाँ कहाँ पर इसको लागू किया गया था, वो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा और वाराणसी में। और इसमें ज़मींदार्स बनाए जाते थे, और इन ज़मींदार्स के पास जो राइट रहता था टैक्सेस कलेक्ट करने का ज़मीन की, और ये उस टैक्स के 11 हिस्से कर लेते थे, जिसमें से 10 हिस्से जो ब्रिटिशर्स के पास जाते थे और एक हिस्सा वो जाता था जमींदार्स के पास। और इस सिस्टम का, क्योंकि इसमें जमींदार्स को रियल ओनर्स माना जाता था किसी लैंड का, तो इस सिस्टम का नाम जमींदारी सिस्टम भी है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सो इस क्वेश्चन में हमें करेक्ट मैच करनी है, तो हमें कॉलम्स दिए गए हैं। एक कॉलम्स में कुछ न्यूज़पेपर और नोवेल्स के नाम है, और दूसरे कॉलम में उससे एसोसिएटेड पर्सन्स के नाम है। तो फर्स्ट कॉलम में हमारे पास दिया गया है कि फर्स्ट ऑप्शन है पंजाब केसरी, सेकंड है मराठा, फिर थर्ड है आनंद मठ, और फोर्थ है गौरा, ठीक है। और एसोसिएटेड जो पर्सन्स हैं इनके साथ वो है बाल गंगाधर तिलक, लाला जगत नारायण, रविंद्रनाथ टैगोर, बीसी चैटर्जी। और इनको जब हम करेक्ट मैच करेंगे तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, चलिए हम देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए।
तो ये है आंसर डी, यानी कि ये वाले जो मैच किए गए हैं ये करेक्ट मैचिंग है बिल्कुल, और इन इसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग, पंजाब केसरी की शुरुआत की गई थी लाला जगत नारायण द्वारा। मराठा के साथ एसोसिएटेड इन पर्सन है बाल गंगाधर तिलक। आनंद मठ नॉवल लिखी थी बीसी चैटर्जी ने, यानी कि बंकिम चंद्र चैटर्जी ने, और गौरा के साथ एसोसिएटेड है रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं चलिए। सो नेक्स्ट है कि गदर पार्टी के फाउंडर कौन थे। ठीक है, तो ऑप्शंस है हमारे पास ए लाला हरदयाल, बी लाला लाजपत राय, सी भगत सिंह, या फिर डी उधम सिंह। तो गदर पार्टी की शुरुआत किसने की थी चलिए देख लेते हैं हम। सो लाला हरदयाल ने शुरुआत की थी गदर पार्टी की, और लाला हरदयाल के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं स्लाइड पे। सो लाला हरदयाल इंडियन नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरी थे, जिनका जन्म हुआ था दिल्ली में 14 अक्टूबर 1884 को, और उन्होंने वंदे मातरम नाम की जो है एक मैगजीन को एडिट किया था जब वो पेरिस में थे, और फिर जब वो यूएस में गए तो उन्होंने एक स्कॉलरशिप की शुरुआत की थी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पर, और उस स्कॉलरशिप का नाम था गुरु गोविंद सिंह साहिब एजुकेशनल स्कॉलरशिप। ठीक है, सो ये स्कॉलरशिप इंडियन स्टूडेंट्स के लिए थी जो यूएस में थे, और 1913 में जो है गदर पार्टी की शुरुआत की थी लाला हरदयाल ने, और 4 मार्च 1939 को इनकी डेथ हो गई थी। सो लाला हरदयाल इज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैटल ऑफ प्लासी जो है किन दो पार्टीज़ के बीच में लड़ी गई थी। तो ऑप्शंस आपके हैं ए ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल, बी है मैसूर वर्सेस मराठा, या राजपूत वर्सेस मुगल, या मुगल्स वर्सेस अफगान्स। तो इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सो देख लेते हैं हम करेक्ट ऑप्शन। सो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जो कि है ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेज नवाब ऑफ बंगाल। बैटल ऑफ प्लासी जो है वो हुई थी 1757 में 23 जून को, और नवाब ऑफ बंगाल उस टाइम पे वॉज सिराजुद्दौला। ठीक है, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रूप्स को कौन लीड कर रहा था, रॉबर्ट क्लाइव, और इसका जो विनर कौन निकला इस बैटल का, सो दैट वॉज जो ईस्ट इंडिया कंपनी की साइड थी वो, तो नवाब ऑफ बंगाल यानी कि सिराजुद्दौला की हार हुई थी बैटल ऑफ प्लासी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब चलिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बुक का नाम दिया गया है, कौन सी बुक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो पूछा गया है कि ये बुक जो है लिखी किसने है, तो ऑप्शंस दिए गए हैं चार, जो कि हैं आरसी दत्त, दादाबाई नारोजी, सी महात्मा गांधी, या फिर डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये बुक किसने लिखी थी चलिए देख लेते हैं ये किसने लिखी थी। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, यानी कि दादाबाई नारोजी ने ये बुक लिखी थी, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सो इस बुक में ब्रेन ड्रेन की थ्योरी जो है वो दी गई थी बाय दादाबाई नारोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं चलिए। सो दिस क्वेश्चन इज कि जलियांवाला बाग के साथ इनमें से कौन सा मूवमेंट एसोसिएटेड है। सो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं चार, जिसमें से पहला है रॉलेट सत्याग्रह, दूसरा है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सी ऑप्शन है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, या फिर ऑप्शन डी जो है वो है क्विट इंडिया मूवमेंट। तो जलियांवाला बाग के साथ कौन सा मूवमेंट एसोसिएटेड है चलिए हम देख लेते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन है ए, जो कि है रॉलेट सत्याग्रह, और इसमें हम थोड़ा जलियांवाला बाग के बारे में पढ़ लेते हैं। सो जलियांवाला ट्रेजेडी जो है वो हुई थी 1919 की वैसाखी के दिन यानी 13 अप्रैल को, जब बहुत सारे जो लोग हैं वो जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, तभी जलियांवाला बाग जो कि अमृतसर में, उसकी एंट्रेंस को ब्लॉक कर दिया गया बाय जनरल डायर, और उसने अपने ट्रूप्स को बोला कि इन लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी जाए, और इसी फायरिंग में बहुत सारे लोगों की जो है वहाँ पर हत्या कर दी गई थी, और इसी के अगेंस्ट जो है मतलब इसी के प्रोटेस्ट में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड का टाइटल जो ब्रिटिश ने उन्हें दिया था वो वापस किया, और जो है माइकल और ड्वायर की जो हत्या कर दी गई इसी ट्रेजेडी का बदला लेने के लिए इन 1940। तो माइकल ड्वायर को मारा किसने था, उधम सिंह ने। ठीक है, और जलियांवाला बाग मैसेकरे को जो है इसकी इंक्वायरी करने के लिए जो कमीशन सेटअप किया गया, उस कमीशन का भी हमें नाम याद रखना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम, तो उसका नाम है हंटर कमीशन। ठीक है, सो इसकी इंक्वायरी के लिए हंटर कमीशन सेटअप किया गया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, आगे के क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में देखेंगे। सो अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसके लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए, और ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।